हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर एडिटर के अंदर आपका स्वागत है और आज हम आपको दिखाते हैं TVS स्पोर्ट्स जो कि ऑल ब्लैक, ग्रे, ऑल ब्लैक दो ही कलर के अंदर अवेलेबल है और आज के टाइम के अंदर 2023 के अंदर काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली और काफ़ी ज़्यादा माइलेज लो मेंटेनेंस के साथ में आने वाली गाड़ी TVS के द्वारा अपने को मिल जाती है। प्राइसिंग के बारे में तो ये गाड़ी मिल जाती है अपने को 58,631 रुपए की, जिसके अंदर अपने को इसका सेल्फ स्टार्ट के साथ में ये गाड़ी मिलती है। तो सेल्फ स्टार्ट प्लस में किक स्टार्ट दोनों का ऑप्शन इसमें अपने को मिल जाता है। बाकी बात अपन आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट के अंदर अपने को अपनी TVS स्पोर्ट्स मिल जाती है। हीरो के अंदर बात करेंगे तो हीरो के अंदर HF डीलक्स मिल जाती है। उसके अलावा बात करेंगे बजाज में तो बजाज के अंदर अपने को अपनी सिटियन रेड 110 मिल जाती है। तो अब बात करें प्राइसिंग को लेके तो ये गाड़ी अपने को 70,000 रुपये के समथिंग ऑन रोड पड़ जाती है। तो मैं आपको एक बार इसका शोरूम का कार्ड दिखा देता हूँ। तो ये शोरूम का कार्ड है जो कि सतनाम मोटर बहरूजी मोड श्री माधोपुर रोड रिंगस के है, जो कि आप नंबर देख सकते हो। तो ये है अपना रिंगस सिक्कर के अंदर, राजस्थान के अंदर ये शोरूम है। तो यहाँ पर 70,000 रुपये के करीब ये गाड़ी पड़ जाती है, मतलब 70,000-72,000 रुपये के करीब। अब बात करते हैं HF डीलक्स सिटियन रेड, तो इस गाड़ी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा उनकी प्राइस ज़्यादा है। 110 सीसी का इसके अंदर अपने को इंजन मिल जाता है। बात करें माइलेज का तो माइलेज ये अपने को 65 प्लस दे देती है आराम से किसी भी कंडीशन में चलाने के बाद में, काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। बात करें इस गाड़ी के कर्ब वेट की तो 110 केजी का ओनली इसमें कर्ब वेट है। 110 सीसी का इसके अंदर अपने को इंजन मिल जाता है BS6 सिंगल सिलेंडर 4 गियर मैनुअल के साथ में, जो कि करीबन 7-8 BHP का पावर अपने को निकाल देती है। उसी के बाद में अपने को मिल जाते हैं इसके अंदर फुल्ली अलॉय व्हील। और बात करें टायर्स की, 2 75/17 के टायर मिल जाते हैं जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से सभी में यही टायर अपने को दिए हुए हैं। तो ट्यूब वाले टायर की खास बात क्या रहती है कि जब तक भी टायर में जान है तब तक वो टायर चलेंगे। ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, जब थोड़ी सी ग्रिप कम हो जाती है तो हवा धीरे धीरे लीक होने लग जाती है। 130 mm का इसके अंदर अपने को ब्रेक मिल जाता है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, फ्रंट अमर गार्ड के ऊपर रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, SBT ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। उसी के बाद में अपने नॉर्मल हैलोजन बल्ब के साथ में हेडलाइट मिल जाती है, हेडलाइट के ऊपर पियानो ब्लैक के अंदर अपने को ये काउल मिल जाता है जिसके ऊपर TVS की ब्रांडिंग है। और काफ़ी अच्छे मोटे मोटे अपने को इसमें मिल जाते हैं साइड इंडिकेटर। उसके बाद में बात करें इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तो दोनों देख सकते हो आप, ऑल ब्लैक ऑल ग्रे दोनों कलर अपने पास अवेलेबल हैं। इस प्रकार के अपने को डबल चाबी मिल जाती है TVS की ब्रांडिंग के साथ में। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया जिसके अंदर अपने को स्पीडोमीटर ऑडोमीटर मिल जाता है। ये अपने फ्यूल के लिए, ये पावर, अगर गाड़ी को आप ज़्यादा रेसली चलाओगे तो ये बटन ऑन हो जाता है, ये लाइट ऑन हो जाती है, ये इंजन लाइट मिल जाती है। यहाँ पर अपना इंडिकेटर, हेडलाइट, साइड स्टैंड का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। उसी के साथ साथ न्यूट्रल का भी इसमें अपने को ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद में बात करें की तो की अपने को लॉक, अनलॉक और स्ट्रिंग लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। बात करें इसके हॉर्न्स की तो सिंगल हॉर्न के साथ में ये गाड़ी मिल जाती है। ये इसका ब्रेक, हाई बीम का भी स्विच मिल जाता है जो कि आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलता है इस सेगमेंट की में। उसी के साथ साथ हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, सेल्फ, तो ये सारे फीचर इसके अंदर अपने को मिल जाते हैं। 10 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। फ्यूल टैंक के ऊपर TVS की ब्रांडिंग की हुई है 3D के अंदर। ये अपना फ्यूल कैप हो गया। उसी के साथ साथ में इसके अंदर अपने को किक वगैरह, रियर की बात करें तो रियर के अंदर अपने को इसमें 130 mm का ड्रम ब्रेक मिल जाता है, TVS का टायर मिल जाता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 317 का इसके अंदर अपने को शायद रियर का टायर मिल जाता है जो कि आप देख सकते हो 3017। उसी के बाद में इस प्रकार का क्रोम के अंदर अपने को इसमें मिल जाता है अपना साइलेंसर, स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग, ये अपनी रियर लाइट जो कि नॉर्मल बल्ब के साथ में है, ये अपना रियर लुक हो गया, ये इंडिकेटर वगैरह हो गए। बात करें चैन कवर की तो चैन कवर इसके अंदर अपने को फुल पैक्ड मिलते हैं, चैन की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। साइड स्टैंड के साथ में इसमें मिल जाता है अपने को इसका जो सेंसर के साथ में साइड स्टैंड मिल जाता है और 4 गियर के साथ में ये गाड़ी मिलती है। ETFI की ब्रांडिंग मिल जाती है, सिंगल हॉर्न मैंने आपको दिखाई दिया। तो ये गाड़ी अपने को ऑन रोड लगभग 70,000 रुपये करीब मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है TVS की तरफ से।
उसी के बाद में अपन बात करें इसके सीट की, बात करें सीट की, तो सीट आप देख सकते हो काफी बड़ी सीट इसकी अपने को मिल जाती है। सीट ओपन करने के लिए यहाँ पर अलग से स्विच इसका दिया हुआ है, लेडीज गार्ड मिल जाता है जो कि अभी लगाया हुआ नहीं है क्योंकि गाड़ी खड़ी हुई है शोरूम के अंदर। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी नए कलर के साथ में 2023 में अपने TVS की तरफ से। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। ठीक है, साथ साथ इस गाड़ी के अंदर अपने को मिल जाता है इसका साइड गार्ड जो कि अभी लगा हुआ नहीं है। साइड गार्ड और इसका जो लेडीज फुटरेस्ट है वो लगा हुआ नहीं है क्योंकि वो डिलीवरी के टाइम पे लगा के दे देते हैं।